22 जनवरी 2024 को प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में हाईटेक सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। चप्पे चप्पे पर कैमरे और ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा रही है। साथ ही अयोध्या नगरी में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। जगह जगह सीसीटीवी कैमरे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी आधुनिक तकनीक से यहां की सुरक्षा व्यवस्था को व्यापक और चुस्त दुरुस्त बनाया गया है। आईजी प्रवीण कुमार ने बताया कि अयोध्या में जिला प्रशासन का सुरक्षा व्यवस्था पर पूरा ध्यान केंद्रित है और यहां आने वाले पर्यटकों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो, इसका भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। देखिए, अयोध्या जी में हमेशा से सुरक्षा के लिए विशेष संवेदनशीलता रखी जाती है और हम लोग इसमें सभी संभव आयामों का हमने समावेश किया हुआ है और हम लोग लगातार सतर्क हैं और जो व्यवस्थाएं हैं वो हमने की हुई हैं, न सिर्फ मानव गत आधार पर, यानी कि हम जितने हमारा मैन पावर रिसोर्स है उसको, बल्कि हमने टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन को भी इसमें समावेश लगातार किया है और उसको लगातार अपग्रेड करते चले जा रहे हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों से, जो संत महात्मा हैं उनसे और अन्य जो भी एक्टर्स हैं, उन सबसे संवाद हमारा लगातार है और हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि एक चुनौतीपूर्ण परिदृश्य होने के बाद भी यहाँ के सभी लोगों के सहयोग से और सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को संपन्न करके इसे बहुत अच्छी तरह से संपन्न कराएंगे। यातायात हमेशा के लिए एक बहुत ही सेंसिटिव पोर्शन रहता है, जिसमें उद्देश्य यह रहता है कि लोग आसानी से आ भी सकें और जो श्रद्धालु हैं, जो उत्साही लोग हैं, उन्हें असुविधा ना हो। साथ साथ हम सुरक्षा को लेकर के किसी प्रकार की कोई किसी भी तरह की कोई कंप्रोमाइज़ करने की स्थिति में नहीं होते हैं। तो हम लोगों का उद्देश्य यहाँ पर यही है कि हम यातायात प्रबंधन इस तरह से करें कि लोगों को असुविधा ना हो, लेकिन साथ साथ हम यातायात के लिए जो डाइवर्जन प्लान है उसको पहले से ही हम लोगों को बता रहे हैं। हम मीडिया में भी बताएंगे, जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको भी समय रहते बताएंगे, ताकि लोगों को एक किसी तरीके के अपने डाइवर्जन के एक वैकल्पिक मार्ग हमेशा उपलब्ध रहे और किसी को असुविधा ना हो। बता दें कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर लगभग तैयार हो चुका है। राम मंदिर में रामलला विराजमान के लिए तैयार है। 22 जनवरी को मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है।